एमा सोकर उठी तो उसका हाथ हैंडकप से मार्क के साथ बंधा हुआ था। वो जब मार्क से इसके बारे में पूछती है कि तभी मार्क अपने आप को गोली मार लेता है, जिससे एमा बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। वो जैसे तैसे करके मार्क को धक्का देकर बेड पे से नीचे गिराती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहती है। वो अपने ड्रॉअर में देखती है तो वहाँ उसे सिर्फ उसकी शादी का एक ही ड्रेस मिलता है। वो अपना फोन ढूंढती है लेकिन किसी ने उसे पानी में डाल दिया होता है। वो किचन में जाती है ताकि कोई इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हैंडकप को काट सके, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो स्टोर रूम में जाती है लेकिन स्टोर रूम भी बिल्कुल खाली था। फिर उसे लकी लिए एक डस्टबिन में से कार की कीज मिल जाती है, जिससे एमा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कार तक जाने के लिए उसे बर्फ में से चलकर और साथ में मार्क की बॉडी को खींच कर ले जाना था। वो बड़ी मशक्कत से कार तक पहुंचती है और वो कार को स्टार्ट कर लेती है तो कार स्टार्ट होकर वापस बंद हो जाती है। वो जब देखती है तो कार का पेट्रोल किसी ने निकाल दिया होता है। एमा के साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो यहाँ से कैसे निकल पाएगी, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करके पिन कमेंट चेक करो।